सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, बड़ी है पर सिंपल सी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली क्या होता है, जो लोग होते हैं जो कंप्यूटर यूज करते हैं, जिसको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज हो, जो समझो कि अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं, के एक्सेल वगैरह वगैरह ऑफिस के लिए यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कुछ भी हो, तो क्या होता है कि आज के टाइम पे बेसिकली ज्यादा लोग जो है वो यूज करते हैं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और जो थोड़े बहुत जो है वो यूज करते हैं मैक वगैरह और कोई उबंटू हो गया, लिनक्स। तो विंडोज के अंदर जो क्या होता है कि बार बार उसके कुछ हर थोड़े टाइम में अपडेट्स आते हैं। अपडेट्स आने के बाद वो क्या होता है कि अपडेट्स जो आते हैं वो अपने कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, और उसकी जो फाइल्स होती है बेसिक फाइल्स, जो अपने अपलोड जो विंडोज हमें जो माइक्रोसॉफ्ट जो हमें देता है अपडेट, तो वो अपडेट क्या है कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और वो कोई ऐसी जगह स्टोर होते हैं जो किसी को मालूम नहीं होता। बेसिकली मुझे ही मालूम नहीं कहाँ स्टोर होता है। और काफी बार कैसा होता है कि जैसे हम कुछ ऑनलाइन डाउनलोड कर रहे हैं, तो कुछ या फिर कुछ अपलोड कर रहे हैं या फिर कुछ भी वगैरह वगैरह ऑनलाइन कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है टेम्प्ट फाइल करके कुछ भी होता है, तो टेम्प्ट फाइल क्या है वो कंप्यूटर में स्टोर होती है। धीरे 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 करके जो अपडेट्स आते हैं वो भी सब कंप्यूटर में स्टोर होते हैं, सब डेटा में स्टोर होता जाता है। तो क्या होता है उसमें बेसिकली कंप्यूटर जो है वो स्लो चलने लगता है। तो लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया, मेरा कंप्यूटर काफी स्लो हो रहा है, मुझे फॉर्मेट करना पड़ेगा, मुझे मेरा डेटा बैकअप करना पड़ेगा। हाँ, वो आप उसको समझ सकते हैं, पर बेसिकली हर बार जो है ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो डेटा भरता जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करता है उसकी स्पीड को थोड़ी स्लो कर देता है, और स्लो करने के बाद क्या कंप्यूटर स्लो चलता है। इसमें एक और प्रॉब्लम ऐसी कि समझो कि हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो और फिर समझो उसको अपडेट आता है, तो क्या होता है कि पुरानी चीजें जो होती है वो सॉफ्टवेयर की उसके अंदर ही रह जाती है, वो डिलीट नहीं होती है। तो फिर उसमें भी काफी बार क्या डेटा अंदर स्टोर होता रहता है। कभी समझो कि हम कोई सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं, वापस नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है जो पुराने सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स होती है वो सी ड्राइव में रह जाती है, तो उसमें क्या है कि काफी सारा कचरा जो है वो भरता रहता है, इसके कारण हमारा कंप्यूटर स्लो होता है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है जो हर एक विंडोज के अंदर प्रोवाइड होता है, तो चलिए मैं आपको वो सॉल्यूशन बताता हूँ। बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा ये, अगर आप चाहे तो आप इसको डेली बेसिस पे आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं मत कीजिएगा। अभी हम प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन के ऊपर, विंडोज के ऊपर, फिर यहाँ पे हमें लिखना है STORAGE स्टोरेज सेटिंग। यहाँ पे जैसे आप स्टोरेज लिखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद क्लिक करना है यहाँ पे मैनेज स्टोरेज, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन स्टोरेज सेल्स और रन इट नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें जो है यहाँ पे इस ऑप्शन को जो है इनेबल करना पड़ेगा। अब इसका मतलब, इसका बेसिकली क्या काम है कि जैसे कि अगर हम एज अ सर्वर कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो इसमें ये होता है कि इसके अंदर काफी टाइम जैसे कोई अपडेट्स आते हैं तो काफी सारे जो डेटा जो इसमें भर जाता है जो हमारे यूज का नहीं होता है, तो सिंपली हमें ये ऑप्शन को क्लिक करना है। अभी मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा रन स्टोरेज सेंस, इसका मतलब है कि ये जो स्टोरेज सेंस है वो अगर आपको डेली बेसिस पे यूज करना है या वीकली यूज करना है या मंथली यूज करना है, या फिर आपकी जो डिस्क है उसका स्पेस काफी भर चुका है तो आपको तब यूज करना है, तभी आप यूज कर सकते हो। आप बेसिकली इसको एवरीडे यूज करोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ टेम्पररी फाइल्स, डिलीट टेम्पररी फाइल्स दैट माय एप्स आरंट यूजिंग। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है जो आपने समझो कुछ टाइम पहले इंस्टॉल किए होंगे, अभी आपके यूज नहीं आ रहे, तो उसका जो अपडेट्स आया होगा वगैरह वगैरह जो इसमें इंस्टॉल हुआ होगा, तो उसका जो टेम्प्ट फाइल होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, तो आपको उसको डिलीट कैसे करना है, तो आप उसको टिक कीजिएगा वहां पे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट फाइल्स इन माय रिसाइकल बिन इफ दे हैव बीन देयर फॉर ओवर। अगर समझिए कि रिसाइकल बिन में अगर आपकी कोई डेटा पड़ा है, अगर आपने गलती से उसको डिलीट कर दिया और आपके पास समझो कि 5-6 दिन बाद आपको याद आया होगा कि मुझे इसको वापस रिसाइकल बिन में मेरे पड़ा है, मुझे उसे लेना है, तो आप ये आप जो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन और मिलेंगे, नेवर, 1 दिन बाद, 14 दिन बाद, 30 दिन बाद और 60 डेज बाद। तो आप क्या करेंगे अगर आपको जिस हिसाब से आपको सेटल होता है कि अगर मेरे को 14 दिन बाद डिलीट करना है ऑटोमेटिक हो जाए या फिर 30 दिन बाद या 60 डेज बाद, तो आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। तो मैंने तो वही सिलेक्ट किया वन डे, क्योंकि मेरा क्या कोई भी फाइल्स जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं रहता। फिर नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है डिलीट फाइल्स इन माय डाउनलोड फोल्डर इफ दे हैवंट ओपन फॉर मोर देन 1 डे, 20 डेज, व्हाटएवर जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, सेम टू सेम ऑप्शन जो ऊपर है वही नीचे है। तो इसका मतलब ये जैसे कि आप समझिए कि गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउजर जो भी है जिसमें से आपने कुछ वीडियोज ऑडियो डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी डाउनलोड किए, प्रोग्राम्स हो गया, वो जाएगा डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर में।
तो अगर इसमें इसका ये ऑप्शन ये पूछना है कि अगर आपने जो डाउनलोड किया है, अगर आपने उसको नहीं ओपन किया है कहीं काफी टाइम से, तो ये जो है वही फाइल को पकड़ेगा और वही फाइल को जो है वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हो। बेसिकली क्या, मैं डाउनलोड में कुछ रखता नहीं, जैसे ही मेरे को कुछ मैं रिक्वायरमेंट फाइल डाउनलोड करता हूँ उसे मैं मेरे सर्वर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रखूंगा वन डे, फिर चाहे तो आप इसको एक बार आप चला सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्री अप स्पेस नाउ, इफ यू आर लो ऑन स्पेस वी कैन ट्राई टू क्लीन अप फाइल्स नाउ यूजिंग दिस सेटिंग ऑन द पेज। इसका मतलब ये जैसे कि समझिए कि अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो आप जो है एक बार ये ऑप्शन को चालू करके एक बार ये आप जो क्लिक नाउ का बटन आप उसे चला लीजिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। तो बेसिकली कैसा है कि जरूरी नहीं है कि अगर कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो उसमें वायरस ही आ गया होगा या फिर फॉर्मेट मरवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इस सिंपल सी चीज करनी है, इसमें आपका कंप्यूटर एकदम फ्री हो जाएगा, एकदम बढ़िया से चलना रहेगा। तो आप देख सकते हैं नीचे लिखा है डन, वेयर वी आर एबल टू फ्री अप 976 किलोबाइट ऑफ द डिस्क स्पेस। मतलब कि मेरा कंप्यूटर जो है अभी क्लिक किया यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट google.com बन गया, पेन खोला, तो आप देख सकते हैं स्पीड एकदम मस्त हो गई है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, काफी सिंपल सा था, जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन भी काफी सिंपल सा था। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के नीचे, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं मेरे साथ। आप जो भी प्रॉब्लम है कंप्यूटर रिलेटेड आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।